नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लवाड़ में बैरवा दिवस पर स्नेह मिलन में प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ आयोजित। कैबिनेट व राज्य मंत्री ने शिरकत की। दौसा विधानसभा क्षेत्र के लवाड़ उपखंड मुख्यालय में गोल सर्किल पर बैरवा दिवस पर स्नेह मिलन व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में महिला बाल विकास, बाल आधिकारिकता एवं आयोजना विभाग मंत्री ममता भूपेश मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। मंत्री ममता भूपेश ने उद्बोधन के प्रारंभ में समाज के शिखर पुरुष संत महर्षि बालीनाथ महाराज को नमन करते हुए आयोजकों और स्थानीय निवासियों द्वारा किए गए स्वागत सम्मान व स्नेह के लिए आभार जताते हुए कहा कि आपका यह स्नेह और आशीर्वाद ही हमारी ऊर्जा और प्रेरणा है। उन्होंने मंच से बाबा साहेब की शिक्षाओं को अपनाने और बच्चों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित समर्थ बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि समाज को कुरीतियों को त्यागने व संगठित व और जागरूक होना होगा। बैरवा महासभा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर समाज को एक मंच पर लाने का संगठित करने की अच्छी पहल कर रही है। आप लोग कुरीतियों को त्यागे, शादी ब्याह नुक्ते में होड़ और पैसे की बर्बादी के बजाय अपने बच्चों को शिक्षित कर उन्हें अवसर बनाकर समाज को ताकत दे। शिक्षा आपको सवाल करने की ताकत देती है। आप किसी से पिछलग्गू या गुलाम ना ले। समाज और क्षेत्र का हित करने वालों को पहचानने और उसका हाथ थामे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में दलित पिछड़े तबकों की भलाई और उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। कांग्रेस की नीति सदैव से ही पिछड़े दबे कुचले वर्गों को अवसर प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा में लाकर देश में समानता, सामाजिक भेदभाव रहित व्यवस्था स्थापित करने की रही है। राज्य सरकार भी इस हेतु कृत संकल्पित है। इस दौरान मुख्य अतिथि ममता भूपेश बैरवा ने कहा कि समाज को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए शिक्षित होकर संगठित रह कर के तथा कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करके समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है और आज के दिन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें आगे भी बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलना है तथा जो सामाजिक कुरीतियां हैं, चाहे दहेज प्रथा हो या नुक्ता प्रथा, समाज में पहरा वड़ी जामना इन सभी कुरीतियों के खिलाफ हमें लामबद्ध होना पड़ेगा और इनको बंद करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। लवाड़ से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वीएमआर भारत टीवी।